दोस्तों एसडी वॉइस कॉल्स क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य और आज बात करेंगे वोल्टी की। दोस्तों वोल्टी का मतलब है वॉइस ओवर एलटीई, और एलटीई वो टेक्नोलॉजी है जो 4G नेटवर्क कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने में मदद करती है वर्ल्ड वाइड। एलटीई का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और ये एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है जो 4G नेटवर्क कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज की जा रही है। अब वोल्टी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्विसेज थी जो डेटा के थ्रू, डेटा कनेक्शन के थ्रू अच्छी वॉइस क्वालिटी देती थी, क्योंकि 2G 3G की जनरेशन में ज्यादा फोकस था आपकी वॉइस कॉल्स, वैसी ही चली आ रही थी जैसी वो शुरुआत में थी, वैसी ही चली आ रही थी 3G तक। पर क्योंकि 3G इवॉल्व इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों की डेटा की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई थी, डेटा पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी। और अगर आपने नोटिस किया हो तो 3G के टाइम पे आप डेटा कनेक्शन और वॉइस दोनों एक साथ यूज कर सकते थे। आप किसी कॉल पे हैं तो आप उस वक्त इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते थे, 3G में ये फायदा था। 4G आने के बाद जो डेटा की स्पीड थी वो और तेज हो गई, और अब वॉइस कॉल अगर करनी थी तो 4G कनेक्शन में भी फॉल बैक करना पड़ता था, 3G में जाके वॉइस कॉल्स होती थी। तो नेटवर्क ऑपरेटर्स जो भी हैं हमारे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए जो LTE यानी कि 4G कनेक्शन को यूटिलाइज करे वॉइस कॉल्स के लिए। और ये जो थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस हैं जैसे कि स्काइपी और व्हाट्सएप की वॉइस कॉल या मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर की वॉइस कॉल्स, इनको भी कर्व करे और एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे सारे कंज्यूमर्स को लेके आए। तो वोल्टी इसलिए सामने आया, और ये यूटिलाइज करता है 4G की हाई स्पीड बैंडविड्थ को, ज्यादा बैंडविड्थ है 4G में और इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसी को यूटिलाइज करता है वोल्टी, और उसके थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड स्विचिंग के थ्रू आपकी कॉल्स कंप्लीट होती है इसमें। तो जो इनहेरेंट फायदा है, जो पहला फायदा आपको वोल्टी के फायदे क्या हैं, जो पहला फायदा आपको मिलता है वो ये है कि सबसे पहले तो आपकी वॉइस कॉल की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपको कोई YouTube वीडियो देखना होता है तो अगर आपके पास नेटवर्क कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा है तो आप YouTube ऑटोमेटिकली उसका रेजोल्यूशन कम कर देता है। अगर आपको ज्यादा रेजोल्यूशन में देखना है तो आपको नेटवर्क कनेक्शन की स्पीड बढ़ानी होगी। अब 4G में नेटवर्क कनेक्शन की स्पीड बहुत ही तेज थी, तो अगर हम 4G कनेक्शन के थ्रू वॉइस को डिलीवर करने लगे तो हमारी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वॉइस डिलीवर हो सकती है 4G के थ्रू, और इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने नेटवर्क प्रोवाइडर जब वो वोल्टी यूटिलाइज करते हैं। वोल्टी में आपके LTE कनेक्शन को यूटिलाइज किया जाता है वॉइस को डिलीवर करने के लिए, इसलिए कॉल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा जो फायदा होता है वो ये है कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड स्विचिंग होती है इसमें, तो जो आपकी कॉल कनेक्ट होने में जो टाइम लगता है वो काफी कम हो जाता है और कॉल जल्दी कनेक्ट होती है। कॉल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, कॉल जल्दी कनेक्ट होती है। और तीसरा जो फायदा होने वाला है वो ये है कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि RCS मतलब कि रिच कम्युनिकेशन सर्विस, जो कि SMS मतलब कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जिसमें सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते थे, उसका एवोल्यूशन है। अब RCS आने पे होगा ये कि अभी जो काम आप इंटरनेट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज से करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप हो गया या मैसेंजर हो गया, आपको अगर वीडियोस वगैरह शेयर करनी होती है, इमेजेस वगैरह शेयर करनी होती है, तो वो आप इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस से करते हैं, नहीं तो आपको MMS भेजना होता है, SMS में नहीं कर सकते हैं वो। तो SMS और MMS का जो एवोल्यूशन है वो है RCS, और RCS आने के बाद आपको इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज की जरूरत ना के बराबर हो जाएगी। और क्योंकि ये सारा कुछ एक सिंगल प्लेटफॉर्म यानी कि आपके जो कैरियर है, जो आपका नेटवर्क ऑपरेटर है, उसके द्वारा सपोर्टेड होगी, तो इसलिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। और चौथा पॉइंट दोस्तों इसी पे बेस्ड है, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि जो जितने भी सारे कैरियर्स हैं वो एक सिंगल स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, यानी कि वोल्टी, RCS, इन सबको एक सिंगल स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे सारे लोग, तो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कैरियर सर्टेन प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, आपके फोन सर्टेन प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करते हैं, तो आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, आप सारी सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। आप इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको वॉइप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे फायदे हैं वोल्टी के। अब नुकसान क्या हो सकते हैं वोल्टी के? जो वोल्टी के पॉसिबल नुकसान हैं वो तो पहला ये है कि फिलहाल सारे जो आपके प्रोवाइडर्स हैं वो वोल्टी पे माइग्रेट नहीं हो पाए हैं, तो कुछ लोग अब भी 3G पे चल रहे हैं, कुछ लोग 4G पे आ गए हैं पर वोल्टी सपोर्टेड नहीं हुए उनके नेटवर्क में, और ज्यादातर डिवाइसेस भी अब तो वोल्टी सपोर्ट पे आने लगी हैं पर शुरुआत में वोल्टी सपोर्ट के साथ नहीं आ रही थी। तो जो मेन बॉटलनेक है वो यही है कि अडैप्टेबिलिटी, जो इंडस्ट्री इसे अडैप्ट कर रही है वो कितनी तेजी से अडैप्ट कर लेगी वही इसको सक्सेसफुल बनाएगा।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको मेरा काम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली डिलीवर होते रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।